चले जी आपने आपने इस कूपन पे अपना आप A1 का करेंगे पहले इसे A1 लिख के और उस बॉक्स में डाल दो आपने अब करना है A2 और A में वो सारा ठीक है जी नेक्स्ट इसी तरह जो वहाँ पे टीम के मैचेस हो रहे हैं उस साइड को उनका पवेलियन है एक वो कॉर्नर पे आपको ट्री नजर आ रहा होगा और एक उस कॉर्नर पे वो दोनों ट्रीज आप लोगों के पवेलियन हो वो बाउंड्री के बाहर आ रहे हैं 57 और 60 मीटर तक की बाउंड्रीज होंगी स्क्वायर पे आपको मिलेगा तकरीबन 50 मीटर और जो आपका मिड विकेट है वो तकरीबन 60 मीटर है स्क्वेट हमारा बिल्कुल छोटा है यहाँ पे स्क्वेट आपको 45 to 48 होगा वो वेरी करता है पिच टू पिच और जो लेफ्टी की बाउंड्री है वो के उस साइड पे और इस पिच पे तकरीबन 45 to 46 मीटर की है जो कि हमने काउंटेड है बाकी जो भी रूल्स होंगे ग्राउंड के वो आपको अंपायर उस पिच के अकॉर्डिंग बता देगा दरख्त को लगना मैंने वैसे भी बताया था बाहर जाने से इधर हमने दो होता है किसी जाना बाहर जाना दो है रन यहाँ पे दरख्त को अगर लग गया तो वो ऑब्वियसली सिक्स होगा बाउंड्री वाले जो हो चुके हैं A1 है जी हमारी A1 रॉयल चैलेंजर सफदरजान A2 है फ्रेंड्स 11 ये भैया आप एक ही ग्रुप में A3 है किंग्स 11 A4 है डार्क हॉर्सेस किंगर्स D2 की और D2 है थंडर वुल्व्स D3 है शहीन्स 11 D4 है बुच्चर 11 D5 है रॉयल टाइगर्स D6 है वर्ल्ड 11